बरेली में कांवड़ियों पर हुए पथराव और बवाल का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे शाहनूरी मस्जिद के पास जैसे ही कांवड़ियों का जत्था पहुंचता है तो अराजक तत्वों का एक हुजूम कांवड़ियों पर पत्थरबाजी शुरू कर देता है, जिसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। 30 से 40 सेकंड के इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ये उन्मादी लोग मस्जिद और घरों से पुलिस के सामने ही बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, मानो ना इन्हें पुलिस का खौफ हो ना कानून का। बता दें कि बरेली के जोगी नवादा स्थित महाभारत कालीन बनखंडी नाथ मंदिर से कांवड़ियों का एक जत्था बदायूं के कछला गंगा से जल लेने के लिए जा रहा था। सभी कांवड़िये बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते हुए कांवड़ लेकर जा रहे थे। इसी बीच शाहनूरी मस्जिद के पास कांवड़ियों पर खुराफातियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। थाना बारादरी क्षेत्र में लगभग 3 बजे के आसपास एक कांवड़ जत्था निकल रहा था और एक धार्मिक स्थल के पास से गुजरा, तो वहाँ पे कुछ फेंकने को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें थोड़ा 40-50 मीटर दूर आगे जाने पे कुछ लोगों ने 10-20 पत्थर फेंके। बाद में जो फुटेज मिले उसमें ये दिखा कि दोनों तरफ से भी पत्थर चले हैं और इसमें तत्काल पुलिस बल वहाँ पर जो मौके पर था उसने नियंत्रित किया और भारी डिप्लॉयमेंट किया गया। अभी वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं, स्थिति नियंत्रित है, जुलूस आगे जा चुका है और अभी तक कोई भी इसमें कोई भी घायल या कोई चुटी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है, परंतु सीसीटीवी फुटेज और जो भी एविडेंस है उसके आधार पे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, इसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्थरबाजी की घटना से नाराज और गुस्साए कांवड़ियों ने सुरेश शर्मा नगर चौराहे पर जाम लगा दिया। काफी देर तक वहाँ पर जाम लगा रहा। बाद में मौके पर डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी पहुंचे और दोनों अफसरों के समझाने के बाद जाम खुला। फिलहाल तो बरेली इस जोगी नवादा इलाके में पुलिस का पहरा है, लेकिन कांवड़ियों पर पत्थरबाजी से हिंदू संगठन में काफी आक्रोश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।